अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करें और हो सके उतने मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो शेयर भी कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप आपने दिसंबर अटेम्प्ट 2019 के लिए अभी प्रिपेयर कर लिया है, एवरीथिंग सब प्रिपेयर कर लिया है। अभी मैं आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है ऑफ कैपिटल मार्केट, जो आपका सेबी बोलते हो सब्जेक्ट, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। बट ऑब्वियसली सिर्फ इसके ऊपर ही रिलाई नहीं करना है, आपको पूरा सिलेबस कर लेना है और होपफुली आपने पूरा सिलेबस कर भी लिया होगा। अभी आपको सिर्फ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पे थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंस बनाए हैं, सो प्लीज ये क्वेश्चंस ध्यान से दो बार तीन बार रिवीजन करके जाना, ताकि आपको बहुत हेल्पफुल हो सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन सेबी, दिस इज फॉर दिसंबर 2019 अटेम्प्ट। अच्छा, पहला आपका चैप्टर है सीकरा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। अभी इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं? फर्स्ट, कंटिन्यूस लिस्टिंग, जो रूल नंबर 19 है सीकरा का कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, वो वाला है। फिर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डिम्यूचुअलाइजेशन, ये क्वेश्चंस बार बार फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। रिस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट्स, सेक्शन 7A दिया हुआ है कि आप प्रॉक्सीज को रिस्ट्रिक्शंस है, आप वन शेयर वन वोट नहीं होता है, वन मेंबर वन वोट होता है, वो सब आपको इसमें लिखना है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, जब भी स्टॉक एक्सचेंज अपना अथॉरिटी डेलीगेट करता है ऑफ पे इन एंड पे आउट, तो ऑब्वियसली क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को अपॉइंट करता है और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है, तो आपको ये लिखना है क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस में। एंड डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये कंपलसरी डीलिस्टिंग का है, रूल नंबर 21 है, कंपलसरी डीलिस्टिंग है कि आपको ये पॉइंट पे ये रीजन की वजह से आपको डीलिस्ट किया जा सकता है। सो ये सीकरा के इंपॉर्टेंस हो गए। सेकेंड तुम्हारा एक्ट आता है सेबी एक्ट, ठीक है, सेबी एक्ट ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, सेबी पढ़ रहे हो, सेबी एक्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, जो तुम लोग को दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 4 मार्क्स का आ सकता है या तो 5 मार्क्स का आ सकता है ये क्वेश्चंस। कॉम्पोजिशन ऑफ सैट अभी अमेंड हुआ है, इसके लिए मे बी तुम्हारे अटेम्प्ट में वो आ सकता है कॉम्पोजिशन ऑफ सैट, पहले वन मेंबर था और फिर वन प्रेसिडिंग ऑफिसर था और दूसरे 2 मेंबर्स थे, अभी वन प्रेसिडिंग ऑफिसर हुआ है, एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर हुआ और उनके सब क्वालिफिकेशंस दिए हुए, वो प्लीज एक बार देख के जाना। पावर्स ऑफ सैट, सो पावर्स ऑफ सैट इज नथिंग बट, इट इज नॉट गिवन इन सेबी, इट इज नथिंग बट योर सिविल प्रोसीजर कोर्ट के पावर्स, ठीक है, सो वो एक बार अच्छे से देख के जाना। सो ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 खत्म इधर। चैप्टर नंबर 3 दैट इज डिपॉजिटरी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट मतलब यू कन्वर्ट योर फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसके लिए डिपॉजिटरी एक्ट हेल्पफुल हो जाता है। उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है? एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी, कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेंगे तो आपको ऑब्वियसली कौन से एडवांटेजेस मिल जाएंगे, जैसे आपको स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करना होगा, या तो फिर आपको चेंज ऑफ एड्रेस किया तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, देयर विल बी नो लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, तो वो सब आपको लिखना है। इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी एंड कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी, इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी में तुम्हारे मॉड्यूल में स्कोप बढ़ा दिया है करके, पहले एक ही पैराग्राफ था, अभी स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट भी दिया है, तो इट इज मोर चांसेस के इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आ सकता है। एंड कॉन्करेंट ऑडिट तो फेवरेट क्वेश्चन है उनका, कभी भी हो कॉन्करेंट ऑडिट आता है, उसमें एक DI स्लिप करके कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट, ऑडिट अंडर रेगुलेशन 76, पहले रेगुलेशन नंबर 55A था इन 1996 वाला, अभी 2018 हो गया है, मतलब सेबी डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट 2018 हो गया है, तो उसमें रेगुलेशन नंबर 76 हो गया है। सो ये इश्यूअर का ऑडिट है, देयर विल बी रिकंसिलेशन बिटवीन टोटल इश्यूड कैपिटल एंड टोटल लिस्टेड कैपिटल एंड द कैपिटल विच इज हेल्ड इन डीमैट फॉर्म, वो वाला अच्छे से करके जाना, वो आ सकता है। नेक्स्ट, फोर्थ पे चलते हैं, ICDR 2018, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि बहुत कुछ अमेंड हो चुका है उसमें, तो प्लीज ये अच्छे से करके जाना। एक रेड हियरिंग प्रस्पेक्टिस
ये तो आपका कंपनी लॉ में भी है, कंपनी लॉ के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना अपने सेबी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रेड हियरिंग प्रस्पेक्टस, प्राइस एंड प्राइस बैंड, फिर एक तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर हाउ टू मेक द अलॉटमेंट, मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को कैसे अलॉटमेंट करना चाहिए, उनको मिनिमम लॉट देना ही चाहिए करके, कुछ भी हो उनको मिनिमम लॉट तो मिलना ही चाहिए, तो वो पूरा सम दिया हुआ है। तो वो प्लीज इलस्ट्रेशन एक बार पढ़ के जाना कि हाउ टू मेक एन अलॉटमेंट टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। डिफरेंशियल प्राइजिंग, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल प्राइजिंग मतलब यू कैन नॉट सेल द सिक्योरिटीज टू सेम डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स एट सेम प्राइस, वो ऑब्वियसली अनएथिकल माना जाता है, बट अंडर 3-4 सिचुएशंस इट इज अलाउड कि भाई आप ये डिफरेंशियल प्राइजिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, फास्ट ट्रैक इश्यू। पहले फास्ट ट्रैक इश्यू का तुम्हारे मॉड्यूल में सिर्फ एक पैराग्राफ था, अभी उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ गए कि विच ऑल कंपनीज आर एलिजिबल फॉर फास्ट ट्रैक इश्यू, तो वो अच्छे से करके जाना। राइट इश्यूज, राइट शेयर्स अगर आपको इश्यू करना है तो उसके प्रोसीजर क्या है वो बहुत अच्छे से करके जाना। तो ये ICDR का चैप्टर खत्म। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 LODR है, LODR 2015। अभी ये इसमें ईयरली कंप्लायंसेज है, उसमें सारे कंप्लायंसेज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा चैप्टर है यार। क्वार्टरली कंप्लायंसेज लास्ट 2 अटेम्प्ट पहले पूछा था, तो आई डाउट क्वार्टरली कंप्लायंस पूछेंगे, हाफ ईयरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो ईयरली कंप्लायंस अभी तक पूछा ही नहीं है। सो ईयरली कंप्लायंस 3 ही रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 14, रेगुलेशन नंबर 33 एंड रेगुलेशन नंबर 34, वो एक अच्छे से रेगुलेशन करके जाना। और मटीरियल ट्रांजेक्शन्स, विच ऑल ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज मटीरियल, अगर सपोज नॉर्मल ट्रांजेक्शन है तो 10% से ज्यादा होगा तो वो मटीरियल माना जाता है, एंड अगर रॉयल्टी और ब्रांड इमेज का है तो 2% वाला प्रोविजन है, उसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। टेक ओवर कोड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली टेक ओवर कोड में वो टारगेट कर सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, थ्योरी डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अगर थ्योरी पूछे तो बेस्ट उनके लिए होगा डेफिनेशन ऑफ पैक, तो वो पूछ सकते हैं, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट वो पूछ सकते हैं, एस्क्रो अकाउंट ऑफ टेक ओवर कोड, प्लीज जब भी एस्क्रो अकाउंट आता है तो ध्यान से देखो बायबैक का एस्क्रो अकाउंट है या टेक ओवर कोड का एस्क्रो अकाउंट है, दोनों के प्रोविजंस अलग है तो ध्यान से पढ़ना। एंड डिस्क्लोजर, अगेन डिस्क्लोजर ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एकदम अलग है, डिस्क्लोजर ऑफ टेक ओवर कोड अलग है। सो डिस्क्लोजर में 3 डिस्क्लोजर्स है, एक 29 है, एक 30 है और 31 है, प्लीज वो ध्यान से पढ़ के जाना। उसके बाद नेक्स्ट बायबैक, बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी है, बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज का है, सो वो दोनों करके जाना। और एक लास्ट पैराग्राफ दिया होगा तुम्हारे मॉड्यूल में, बायबैक वर्सेस सैट मतलब टेक ओवर कोड का, ठीक है। सो अगर सपोज कोई कंपनी ने बायबैक किया है जिसके कारण कोई पर्सन का शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, तो उसको वेदर टेक ओवर कोड के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे वो सब उसमें दिए हैं। 3 कंडीशंस है, अगर वो 3 कंडीशंस फुलफिल हो गए तो टेक ओवर कोड के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकता है, वो ध्यान से करना। उसके बाद डीलिस्टिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, बट फिर भी एक बार कर लेना डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय SME, ये कभी पूछा ही नहीं है इंस्टीट्यूट ने, अनटच्ड है तो ऑब्वियसली आ सकता है टारगेट। 9, उसमें एक नॉमिनी डायरेक्टर का है, जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करोगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है वेदर नॉमिनी डायरेक्टर इज एलिजिबल फॉर ईसॉप और नॉट, तो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि नॉमिनी डायरेक्टर को ईसॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो एक अच्छे से करना। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 2014 से इनएलिजिबल कर दिया कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर ईसॉप, बट अगर 2014 के पहले उनको ईसॉप ग्रांट कर दिया होता था तो वेदर दे आर एलिजिबल फॉर ईसॉप, यस दे आर एलिजिबल फॉर ईसॉप, तो वो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, वो देख लेना। शॉर्ट नोट ऑन ईसॉप आएगा या तो फिर शॉर्ट नोट ऑन ईसॉप बोलो ईसॉस बोलो इज वन एंड द सेम, ठीक है। सो एक्चुअली ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए, तो शॉर्ट नोट ऑन ईसॉप बोलो या ईसॉस बोलो इट विल बी वन एंड द सेम, या और एक और इंपॉर्टेंट होना चाहिए ESPS, ठीक है, एम्प्लॉय शेयर परचेस स्कीम, वो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है करके जाना। नेक्स्ट स्वेट इक्विटी शेयर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3-4 पेज का चैप्टर है, तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ छोड़ नहीं सकते, बट इसमें से अगर देखा जाए तो क्या इंपॉर्टेंट है,
अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करना है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। तो जब भी आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करते हो तो ऑब्वियसली उसमें कुछ कंटेंट लिखना पड़ता है कि क्या क्या एक्सप्लेनेशन दोगे, जैसे किसको इश्यू कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करने वाले हो, व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, व्हाट इज द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ आईपीआर, तो वो सब आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना है। वो उसका मे बी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। एंड वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये तो बोनस क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, तीन पॉइंट्स ही है। फॉर वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा। मर्चेंट बैंकर हैव अ पावर टू अपॉइंट एक्सपर्ट्स एंड दैट वैल्यूएशन रिपोर्ट शैल बी सर्टिफाइड बाय इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ताकि वो देखे कि इट इज एज पर द प्रोविजन ऑफ ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डन विथ 10 चैप्टर। 11 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते। इनसाइडर ट्रेडिंग श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मे बी 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स तक भी इनसाइडर ट्रेडिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इनसाइडर ट्रेडिंग में कुछ भी मत छोड़ना, बट अगर देखा जाए तो एटलीस्ट इतना तो मिनिमम करना ही है, कुछ भी छोड़ना नहीं है उसमें, बट ये तो करना ही है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग एज पर कंपनीज एक्ट पूछ सकते हैं। कनेक्ट, ये डेफिनेशन है, कनेक्टेड पर्सन या द पर्सन डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन। डिस्क्लोजर्स, इनिशियल डिस्क्लोजर्स एंड कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स, दो डिस्क्लोजर्स है वो एक अच्छा करना है। ट्रेडिंग विंडो दिया हुआ है, ट्रेडिंग विंडो के सिर्फ 5 पॉइंट है कि कभी ट्रेडिंग विंडो बंद होता है, कभी ट्रेडिंग विंडो खुला होता है, कौन ट्रेडिंग विंडो बंद करता है, कभी बंद करता है, एंड आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ बीइंग पब्लिश्ड वो ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाता है, किसके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाता है, वो सब उसमें लिखा हुआ है, ये अच्छे से करना है। प्री क्लियरेंस का मतलब, If you want to trade above the threshold limit, any designated person want to trade above the threshold limit, तो उसको pre-clearance लेना पड़ेगा, मतलब prior permission लेना पड़ेगा from the compliance officer, और compliance officer कैसे permission देता है, वही लिखा हुआ है pre-clearance transactions में। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ फेयर डिस्क्लोजर्स, मतलब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आप छुपा के नहीं रख सकते हो, यूनिफॉर्मली एंड यूनिवर्सली आपको ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, एंड दैट टू प्रॉम्प्टली, जल्दी जल्दी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो वो उसके सारे प्रोसीजर्स दिए हैं, वो लिख लेना। चाइनीज वॉल पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट। चाइनीज वॉल पॉलिसी इज नथिंग बट सेपरेटिंग अ पब्लिक एरिया फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो वो चाइनीज वॉल पॉलिसी का मेन कॉन्सेप्ट है। और फिर रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट, मतलब एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग द सर्टन टाइम पीरियड, तो वो 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज चाइनीज वॉल पॉलिसी एंड व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट, वो 3-3 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट अभी भी बोल रही हूँ, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 5-8 मार्क्स आता ही है, सो प्लीज ये छोड़ना नहीं। सेम वे नेक्स्ट चैप्टर म्यूचुअल फंड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड दे टारगेट म्यूचुअल फंड फॉर प्रैक्टिकल सम्स, सम्स आते हैं और बेस्ड ऑन द एनएवी एंड होल्डिंग पीरियड रिटर्न करके। सो होल्डिंग पीरियड रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से करके जाना, एंड एनएवी का जो फॉर्मूला है, एनएवी का फॉर्मूला क्या है, ऑब्वियसली नेट एसेट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, वो एक अच्छे से करके जाना। डिस्टिंक्शन बहुत अच्छे से करके जाना, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान। अभी म्यूचुअल फंड में सबसे इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड्स, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड की प्लेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जैसे स्पॉन्सर्स होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, सो वो आपको लिखना है उधर। स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अपने मॉड्यूल में बहुत सारी स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स पूछे, मे बी दे कैन आस्क एनी ऑफ 5 स्कीम्स, आप लिख दो, ऐसा भी आ सकता है। या तो वो पर्टिकुलर स्कीम पूछेंगे, या तो ऐसे पूछेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई ग्रोथ स्कीम एंड ग्रोथ स्कीम। अगर ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन पूछते हैं, डोंट राइट इन टी फॉर्म, राइट इन पैराग्राफ फॉर्म, क्योंकि हार्डली एक 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 पैराग्राफ का है। सो 2-3 मार्क के 2 स्कीम्स पूछ सकते हैं, वो ऐसा भी कर सकते हैं, या तो 3 मार्क के, या तो 2 मार्क के, या तो फिर टोटल पूछ लेंगे, राइट डाउन द स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो एटलीस्ट 7-8 स्कीम्स लिख के आ जाना। होल्डिंग पीरियड रिटर्न मैंने ऑलरेडी बता दिया, सम्स मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि सम्स आ ही सकते हैं, मोस्टली आते ही है, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से सम्स आ रहे, तो आना ही चाहिए। एनएवी का आता है और होल्डिंग पीरियड रिटर्न का सम आता है।
वो करके जाना। सो डन विद द म्यूचुअल फंड चैप्टर, बट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन प्लीज इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। नेक्स्ट 13 चैप्टर, वेरी स्मॉल चैप्टर, 3-4 पेज का चैप्टर है, ठीक है। उसमें एक डेफिनेशन ऑफ CIS दिया है, 4 पॉइंट्स दिए हो, वो बहुत अच्छे से करके जाना एज पर सेक्शन 11AA सबसेक्शन 2 करके, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ट्राई टू राइट दैट डेफिनेशन इन ऑल द आंसर्स, जो भी CIS के बारे में पूछा है ट्राई टू राइट द डेफिनेशन इन ऑल द आंसर्स, तो वो एक अच्छे से करके जाना डेफिनेशंस, क्योंकि वो तुम्हारे हर आंसर्स में वो इंट्रोडक्शन का पार्ट काम करेगा। फिर नेक्स्ट CIS डज नॉट इंक्लूड, मतलब इसका मतलब CIS के ऊपर इन फॉलोइंग चीजों के ऊपर ये CIS के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड के ऊपर CIS के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनीज और NBFCs, ये सब पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि जिसके ऊपर CIS के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो वो करके ना करना। और ऑब्लिगेशन ऑफ CIMIC दिया हुआ है, मतलब व्हाट CIMIC शुड डू, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी को क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखना ही लिखना, CIMIC शुड ऑब्टेन द एडिक्वेट इंश्योरेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द स्कीम, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो छोड़ना नहीं, क्योंकि उनको इंश्योरेंस कंपल्सरी लेना पड़ता है। नेक्स्ट डन विथ 13 चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर इज 14 चैप्टर, दैट इज ओम्बड्समैन का। ओम्बड्समैन में स्कोर्स हमेशा पूछते ही रहते हैं, अभी लास्ट टाइम भी आया होगा तो भी स्कोर्स पूछते ही रहते हैं, वो इनका फेवरेट क्वेश्चन है। तो स्कोर्स अच्छा करना, व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ स्कोर्स, पूरे जितने भी क्वेश्चंस है, व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ स्कोर्स, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ स्कोर्स एंड हाउ टू लॉज द कंप्लेंट इन स्कोर्स, ये 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाना स्कोर्स का। एंड हाउ टू फाइल, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट विद द ओम्बड्समैन, इसका मे भी वो लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देंगे कि एक्स को कंप्लेन करना है ओम्बड्समैन को, तो प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसीजर हाउ टू फाइल द कंप्लेन विथ ओम्बड्समैन, तो वो बहुत अच्छे से करके जाना वो प्रोसीजर है, कहाँ आपको कंप्लेन फाइल करना पड़ेगा। और फिर ओम्बड्समैन ने जब भी डिसीजन दे देता है ओम्बड्समैन, तो अगर मान लो देर इज अ मिसकैरेज ऑफ जजमेंट, तो यू कैन गो टू SEBI एंड आस्क फॉर द रिव्यू ऑफ द अवार्ड, अवार्ड का मतलब ऑर्डर, ठीक है। तो आप रिव्यू ऑफ द अवार्ड बाय SEBI, वो एक अच्छे से करके जाना कि ओम्बड्समैन ने डिसीजन दे दिया बट देर वॉज अ मिसकैरेज ऑफ द जजमेंट, इसके लिए हम आपके पास आए हैं टू रिव्यू, ठीक है, द अवार्ड। इसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से पढ़ो, बट ऑब्वियसली यही होगा। नेक्स्ट 15 एंड 16 चैप्टर में मैं एक्चुअली देखा जाए तो इम्पोर्टेंस बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो दो ही चैप्टर है जो 30 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो इधर तो वर्ड टू वर्ड करके ही जाना है 15 एंड 16 चैप्टर, क्योंकि 30 मार्क्स का है, और 30 मार्क्स में, और ये जो 15 चैप्टर है कम से कम 20 मार्क्स का आता ही है। सो 20 मार्क्स के लिए तुम सब करके जाना, बट इसमें से ये 9 क्वेश्चंस है, इसमें से श्योर शॉट एक दो तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे 101%। एंजल इन्वेस्टर्स आ सकता है, कैटेगरीज ऑफ AIF आ सकता है 1, 2 एंड 3, QIB आ सकता है, QIB का क्वेश्चन कैसे आएगा, QIB आर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कमेंट ऐसा आ सकता है, या तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उसके भी 3 कैटेगरीज है, कैटेगरी 1, 2 एंड 3, वो नहीं आया है तो आ सकता है। FCCB एंड FCEB, FCEB has an inheritance advantage over FCCB, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि FCEB में डाइल्यूशन ऑफ अर्निंग पर शेयर नहीं होता है, बट FCCB में डाइल्यूशन ऑफ अर्निंग पर शेयर होगा, इसके लिए FCEB इज मोर एडवांटेज एज कम्पेयर टू FCCB। IDR का शॉर्ट नोट आ सकता है, नहीं पूछा है इसके लिए आ सकता है, एंकर इन्वेस्टर, अस्बा एंड ग्रीन शू ऑप्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज, ये 16 चैप्टर है, इसमें ये सिर्फ इंटरमीडियरीज के नाम लिखे हुए हैं, तो और इंटरमीडियरीज का शॉर्ट नोट दिया है, इसमें मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल थोड़ा कम चांसेस है, बट फिर भी मर्चेंट बैंकर रजिस्टर टू एन इशू शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर्स टू एन इशू, डिबेंचर्स, ट्रस्टी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, कस्टोडियन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये 7 टॉपिक है जो बहुत अच्छे से करके जाना 16 चैप्टर में से, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो तुम्हारा होता है राइट अ शॉर्ट नोट, उसमें ये क्वेश्चंस आ सकता है।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आई होप आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। प्लीज ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाना ताकि इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करें ताकि इन फ्यूचर हम लोग जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे आपको सारी उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सो आपका एक भी वीडियो मिस आउट नहीं होगा। और हो सके उतने मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स ऑनलाइन परचेस करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट is.rediff.in पे भी जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप हम लोग वहाँ से कम्युनिकेट भी आप डायरेक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। थैंक यू।